सिलसिला सिलसिला चला ये कैसा कमाल का सिलसिला, दिल मिला मेरा बना परिवार, बहुत सारा प्यार मिला। एक तेरा ही दरबार सजा, बाकी सब पर। हेलो दोस्तों, परिंदाना मौजूद फिर एक नए वीडियो के साथ, जो कि है आज मैं मेरे खास फ्रेंड के साथ कोलैबोरेशन एक वीडियो बना रहा हूँ, जो कि है हमारे सनी पाजी। सनी पाजी, मैं हैदराबाद से हूँ, मेरा नाम जाकिर है। ऐसी वीडियो बनाओ और एंजॉय करो फ्रॉम हैदराबाद। तो ये है भाई साहब अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, मेहर करो बाबा जी, सब ठीक ठाक रहे। तो बस आज नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, बस अब रेडी हुआ हूँ, रेडियो के ऑफिस तक जा रहा हूँ। मुझे बाबा साहब जाना है अपने सीए के पास, आज कुछ काम है अकाउंट्स का, तो वो करके आऊँगा। आज दिन थोड़ा बिजी जाने वाला है, बस तो मतलब 2-4 बजे तक तो बिजी रहूँगा, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो ऑफिस जाऊँगा गाड़ी में, गाड़ी से आगे स्कूटर लेके जाऊँगा, मुझे रोनी जाना है, बस लेट हो गया, जल्दी पहुँचना है। तो गाड़ी में ट्रैफिक बहुत मिलेगा, तो मैं जल्दी पहुँच नहीं पाऊँगा, तो मैं स्कूटर पर जाऊँगा वहाँ से। तो बस निकल रहा हूँ घर से, देखते हैं, बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं, सिमरन किचन में लगी हुई है, थोड़ी सिमरन की तबीयत ठीक नहीं है। दर्द ज़्यादा है क्या आपको अभी भी? जो परसों जो परसों किचन में गिरी थी ना, उसकी वजह से दर्द हो रहा है काफ़ी टांगों में। तो रेस्ट कर लो, काम वाम करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए। कौन करेगा काम, कौन सा क्या करना है? चाय मेरी है, एक आपके ज़्यादा वाली, आपके कम वाली मेरी है। ठीक है, पापा ने ले ली, बस घर से निकल रहा हूँ। मोनू के रेडी ताऊजी मेरे जो मेरे साथ जा रहे हैं, उनको रकाबगंज साहब गुरुद्वारे छोड़ना है, और अश्नीत को भी लेना है, अश्नीत भी साथ जाएगा मेरे, क्योंकि किट्टू डॉक्टर के पास गया हुआ है, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। उनको छोड़ के बस ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस में गाड़ी खड़ी करके स्कूटर लेके फिर रोहिणी जाऊंगा। तो ऐसे ही करना पड़ता है, क्या करे, पर मौसम गर्मी तो है, मतलब गाड़ी में 34 डिग्री दिखा रहा है, और बाहर धूप तो नहीं है। आज मौसम जो है थोड़ा बारिश का बना हुआ है, बारिश आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा काम, मतलब ऐसी बारिश आएगी 4 दिन रुके ही ना तब तो बात है। तो पापा तो आ गए बाहर, तो ताऊजी भी आ गए, साथ जा रहे हैं बिल्कुल। ट्रैफिक फिर मिल गया बारिश भी आएगी, तेज लग रहा है मौसम, एकदम काला हुआ हुआ ऊपर। हाँ जी, कम हो रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है ना। तो बुखार हो रहा है, तो हो गई बाहर आया, अब देख ले, दवाई खा के आराम कर ले। तो अभी बस अपने सीए को मिलने आया था, यहाँ पे आधा एक घंटा लगेगा यहाँ से निपटा के ऑफिस वगैरह जाके, फिर गुरुद्वारे का रूटीन आपको पता ही है, बाकी देखेंगे कुछ और नया करेंगे तो आपको दिखाएंगे ही। तो अभी एक दो घंटे तो यहाँ लगेंगे, थोड़ा काम है पेंडिंग बहुत ज़्यादा। तो पूरा का पूरा माहौल देखो, पूरा खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दो ऑफिस हैं यहाँ पे, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं रोहिणी कुछ काम से आया हुआ था, स्कूटर पे जा रहा था, रेड लाइट पे खड़े थे, तो भाई साहब ने पहचान के एकदम रुका लिया, मैं कहा पता नहीं कौन है, पर से सब्सक्राइबर निकले, तो इनकी मदद से भी बात की, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा जी। जय विजय लग गया व्लॉग करें, हाँ जी बहुत बढ़िया, सारे भी लोग देखते हैं, फैमिली पूरी, ब्रदर मेरा, मदर, सारी वीडियोज आप मिल के देखते हैं, बहुत अच्छी लगती है, एंटरटेनमेंट होता है, मुझे बिना दिन नहीं निकलता कि पाजी की वीडियो देखनी है, देखनी है, कद पानी डेली पा रहे हैं, तो डेली अभी एक व्लॉग तो देखते ही हैं। चलो थैंक यू बेटी। तो आज जैसे आप सबके मैसेजेस आ रहे हैं बैंकों, कोई कह रहा है जाने दो, कोई कह रहा है मत जाने दो, मतलब ऑलमोस्ट बराबर ही आ रहे हैं, तो मेरे को लगता है भैया परमिशन नहीं मिलने वाली। मैं लास्ट बैंकॉक गया था 2013 में, उसके बाद नहीं गया, मतलब मैं 6-7 बार पहले हो आया हूँ, पर अब सोच रहा हूँ मैं अब लेके जाऊँगा, बच्चों को साथ लेके जाऊँगा, मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे सिमरन तक साथ जाएंगे, अब हम प्रोग्राम बनाएंगे, वो भी दिवाली के आसपास, अभी इतनी जल्दी का नहीं, दशहरे की छुट्टी होंगी तब जाएंगे, मैं सिमरन किमरन अनिशा सब जाएंगे, बाकी और कोई जाएगा तो देखेंगे, बाकी प्रोग्राम हमारा ये बनेगा फुकेट वगैरह सब थाईलैंड के टूर पे जाएंगे अब हम लोग। तो कल तो ऐसी बस हंसी मजाक चल रही थोड़ी बहुत हुई थी, तो बाकी बस सीन बना रहे हैं, अब जा रहा हूँ, मोनू का फ़ोन आया कि रकाबगंज गुरुद्वारे में आ जा, तो जा रहा हूँ, देख रहा हूँ अगर पहुँच गया टाइम पे तो आऊँगा, नहीं तो फिर शाम को ही जाऊँगा। तो बाकी आज शाम को जिम में भी जाना है, जिम मतलब पूरा डाइट प्लान मेरे को उन्होंने बना के देना, आज सारी बात आज देखेंगे, आज आपकी भी आपको भी मिलाऊँगा, आपने जो मेरा पर्सनल ट्रेनर है,
तो जिम भी बहुत अच्छा है मेरा, बाकी बढ़िया है, तो चल रहे हैं। बाकी गर्मी तो यार पूछो मत, पता नहीं क्या चक्कर है, दो दिन बारिश होती थी, तीन दिन मौसम ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर ऐसी गर्मी पड़ती है ना, बाहर निकलने का मन नहीं करता। आज स्कूटर पर रोहिणी गया था, अभी बुरा हाल हो गया भाई साहब, मतलब इतना ट्रैफिक था, और चलते रहो ना तो गर्मी में इतना पता नहीं लगता, ट्रैफिक में रुक जाओ ना तो फिर गर्मी महसूस होती है अच्छी, जब बस के पीछे खड़े हो जाओ हीट निकलती है ना, और भाई साहब पूछो मत बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अब जा रहा हूँ, तो ये जो आप पिंक वाली बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग पूरी मेरी होती थी, मतलब 2 साल पहले मैंने ये बिल्डिंग सेल की है, ऊपर मेरा पूरा गेस्ट हाउस था और नीचे मेरा ऑफिस था, तो जब भी यहाँ से निकलता हूँ ना, मतलब वो एक दो चक्कर लगते हैं इस रोड से, हमेशा नज़र पड़ती पड़ती है, मतलब 20 साल मैंने इस बिल्डिंग में अपने बिताए हैं, मतलब मेरा बिजनेस मैंने करना स्टार्ट किया था यहीं पे, करना स्टार्ट किया था 2001 में, मैंने यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी मतलब शिफ्ट की थी अपनी, ट्रैवल एजेंसी काम तो मेरा 82 से था, तो 2001 में हमने यहाँ ट्रैवल एजेंसी शिफ्ट की थी, नीचे मेरे एयर टिकट्स का काम था, एयर टिकट्स होटल बुकिंग पैकेजेस का, और वो काम मैंने 2012 में बंद किया था, और ऊपर मेरा पूरा गेस्ट हाउस था, तो 2018 तक मैंने ये काम किया, 19 तक, 2019 में ये बिल्डिंग मैंने सेल कर दी थी, तो जब भी निकलता हूँ यहाँ से मतलब एक यादें पुरानी जुड़ी हुई हैं, जहाँ से मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया, जहाँ से मैं बना, तो अब मेरे को आगे बढ़ना था, मैं कहा यहाँ पे अब दिल्ली काम करने कोई फायदा नहीं है, फिर हमने गुड़गांव में ही काम शुरू किया बिल्डर का, क्योंकि यहाँ पे इतना मज़ा आ नहीं रहा था, तो ये बिल्डिंग भी मैंने सेल करके गुड़गांव चले गए थे। तो मेन शंकर रोड है ये दिल्ली की, मतलब अगर आप वेस्ट दिल्ली से सेंट्रल दिल्ली जा रहे हो तो आपको यही रोड जोड़ती है, मतलब दिल्ली का इतना ट्रैफिक है इस रोड पे, काफ़ी मतलब मानी हुई रोड है एक तरह से। तो ये रोड है, तो यहाँ पे मतलब पूरी दीवारें वगैरह बन गई, मतलब बचपन में हम जब यहाँ पे आते थे ना तब दीवारें कुछ नहीं थी, बाइक हमने नई नई सीखी थी, जंगल होता था पूरा, रात को अंधेरा पूरा एकदम, तो बहुत मज़ा आता था यहाँ पे, मतलब इतने सारे मंकीज होते हैं, देखो बैठा हुआ बंदा, तो मंकीज को खाना वाना यहाँ पे आके लोग खिलाते हैं इनसे फ्रूट लेके, अभी मंकी तो कोई नज़र नहीं आ रहा, फ्रूट वाला बैठा हुआ है, बहुत मज़े किए हमने इस रोड पर हमने। तो ये है दिल्ली की मशहूर पहाड़गंज की चूना मंडी, मतलब सारे आपको होटल से होटल मिलेंगे यहाँ पे, गली गली में होटल, और यहाँ पे सबसे ज्यादा मशहूर जो है वो सीताराम का छोले भटूरे हैं, अभी तो मतलब खाना खाया हुआ पेट में जगह नहीं, तो आपको छोले भटूरे खिलाता मतलब मैं खाता तो आप दिखाता ही, मतलब इतने शानदार छोले भटूरे हैं ना, ऐसे छोले भटूरे मैंने आज तक कहीं नहीं खाए, मतलब इतने सॉफ्ट भटूरे ना बिना ऑयली, मजा आया था खा के, तो अभी पेट में जगह नहीं थी इसलिए खा नहीं पाया, आपको दिखाता मैं जरूर, बाकी पहाड़गंज का भी आओ तो सारे होटल छोटल। तो आज हमारे पाटिया साहब का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे पाटिया साहब, पार्टी कहाँ पे है, सुखी सुखी नहीं पार्टी कहाँ पे है, नाम बोलो आप लेके जाओ, पहले पाठ करो फिर जाओ, ठीक है पहले चाय आ रही, दो मिनट रुक जाओ। तो ये हमारे सब्सक्राइबर है, मतलब सन्नी भाजी खड़े हैं ऐसे आवाज मारी, देख दो सारे ब्लॉग देख दो जी, अच्छा सारे सारे याद है ब्लॉग, चलो अच्छा है अंकल जी, और अंकल बढ़िया अंकल जी, थैंक यू। तो इनसे मिलो, ये हमारे सैभी वीर जी हैं, बोलो आज आप भी खाना नहीं खिलाओगे आज, मैं तो बोल रहा हूँ अभी चलो फटाफट, कहाँ चलो, कलेवा चलो अभी, इमेज कलेवा लेके जाओगे आप भी, यहाँ भटूरे खिलाओगे रात के टाइम पे, जल्दी चलो फटाफट, चलो आता पम्मा चलते हैं फिर। भाई चलना है राइड पर रात को पक्का, 10 बजे आ जाओ घर पे, टाइम हो रहा है 7:30, 10 बजे पूरे तेरे पास, आप 10 बजे का बोल रहे हो, 11 बजे से पहले नहीं आओ, तेरी मेरी शर्त होगी 10 बजे आ जाऊंगा, 10 मैं जिम से आते हुए तेरे पास आऊंगा ना, घर बाद में जाऊंगा। तो बस काफी देर से गुजार, रकाबगंज साहब आया वो मथा टेक के, फिर जाऊंगा घर पे, फिर घर तैयार होकर जिम जाऊंगा, आज जिम में भी काफी टाइम लगेगा क्योंकि पूरा डाइट प्लान समझना। पेट्रोल हो गया टोटली खत्म, पेट्रोल डलवा ले, पापा आ रही में सोए हुए मजे में, यहाँ तो लाइन लगी हुई है बस के, बस वाले ने गाड़ी दिखा दी, इसके पीछे से देखा रास्ता है तो बस वाले ने भी गाड़ी कहाँ फंसा दी, रास्ता बंद कर दिया, मैंने रोक दिया।
क्यों नहीं। क्या किया पॉश? हाँ क्या खबर है फिर? क्या खबर? क्या मैं तो यार पीली सी लगी। क्या किया सारा दिन फिर? क्यों मस्ती करी इसने क्या टीचर के सामने आज? टीचर से मस्ती की इसने आज बहुत ज्यादा। क्यों? पढ़ाई नहीं कर रही थी? पढ़ाई नहीं कर रही थी, वो बैंड के साथ खेल रही थी अपना फ्रेंडशिप बैंड। फिर क्या? और उसको फिर बोला एक मिनट आपने यहाँ पर क्यों रखा है? क्या बनाया खाने में? सेवंथ वर्ड आपने जिमो के आ रहा हूँ फटाफट। ठीक है तो ये भैया अपने सब्सक्राइबर है, तो सारी वीडियोस देखते हो भैया? हाँ भैया सारी। बढ़िया लगती है? बहुत बढ़िया। चलो अच्छा भैया इतने सपोर्ट करते हो आप लोग। सब्सक्राइब करो यार और ज्यादा, मतलब भैया को आगे पहुंचाओ जल्दी से। और भैया की यार बाइक बड़ी अच्छी है। थैंक यू भैया। एग्जॉस्ट बोल जिससे। तो जैसे मैंने बताया था आपको आज मैं जिम आ गया हूँ अपने, तो आज आपको सबसे मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा यहाँ पे जो मेरे ट्रेनर है सब कुछ है, मतलब जैसे पूरा दिखाएंगे आपको पूरा जिम का टूर कराऊंगा एक तरह से। तो जिम काफी अच्छा बना है। तो ये भाई साहब सेल्स में है। क्यों जी ठीक हो? बढ़िया एकदम। क्या ले अनी जी? हाय सर ठीक हो? अच्छा लगा आपको देख के। बढ़िया लगा ना। तो इतने मिलो ही अनी जी हैं यहां के आए कर सकते हैं ना आम दिख लो मैंने। यस सर। और एक बार जिम तो दिखाएं आपको। क्यों प्लीज जी। तो ये भाई साहब हमारे सब ट्रेनर्स हैं यहां के। ठीक है ना जी आ जाओ। आइए तो मैं आपको दिखा दूं जिम। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैंने तो जिम देखा हुआ ना। तो जिम देख ही रखा है, ये आपके सब्सक्राइबर्स के लिए है। ठीक है उनको भी मालूम चलना चाहिए आप कहाँ पे आ रहे हो। बिल्कुल मतलब मैं पास रहा हूँ दूर रहूँ जैसे मर्जी आपको जैसे सूट करते आवाज आ रही पास हो तो आवाज आएगी ना क्लियर आपकी। थोड़ा तेज बोलना बस। ओके सो जितने भी इक्विपमेंट्स है ये सब लाइफ फिटनेस के है। इट्स एन इंटरनेश्नल ब्रांड एंड आई एम श्योर कि आपने सबने लाइफ फिटनेस के बारे में सुना ही होगा। इट्स वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड, ये बायोमैकेनिकली बहुत साउंड है। और यस आई एम सॉरी आई जस्ट फॉरवर्ड एनी टाइम फिटनेस पालम विहार फ्रेंचाइजी में आप खड़े हो जाके हमारे सर मेंबर है ये जिम वो है। ठीक है आइए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ये लेग प्रेस है हमारे पास, ये अबेक्टर अबेक्टर है सर, मतलब दिखा सकते हैं ना सर? हाँ दिखाओ दिखाओ कोई बात नहीं। ठीक है ये हमारे जिम का इक्विपमेंट है, ये फिर आइए देखिए। सो ज़रा स्ट्रेंथ है ये बहुत ही यंगेस्ट स्टेज में इवॉन मिस्टर एशिया टाइटल हिंदी ये यार मिस्टर एशिया हमें भी बनाओ एक बार। हम पता नहीं कब बनेंगे। नसीम सही है सही है। ये सारा स्ट्रेंथ एरिया है, ये कार्डियो एरिया सारा ये सारा कार्डियो एरिया आ गया जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों जी सर आप हमें कुछ ज्यादा जरूरत है ना इसकी? नहीं सबकी जरूरत। जी एक्स एरिया दिस फॉर ग्रुप क्लासेस, यहाँ फंक्शनल के लिए बहुत सारी कंडीशन भी है। और यहाँ ग्रुप क्लास जो कि लाइक मसाला भांगड़ा जुम्बा प्लाटे कोर एच आई वी बहुत सारी क्लासेज हैं। ये सारी एसेसरीज है, यू कैन सी डंबल्स सैंड बैग्स बॉल टी आर एक्स एंड दिस रैक पावर रैक। सो दिस इज द एरिया सीरीज लाइट्स कलर्स मतलब सारा काफी बड़ा है होगा 10,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है ना? काफी बड़ा है 10,000 स्क्वायर फीट एंड ये हमारा बेड एरिया सो वी हैव टू चेंजिंग रूम एंड फोर शावर्स। सही है बढ़िया है जी आप देख लीजिए जैसे आपने देख ही रखा है। मैंने तो सारा देखा हुआ है, सब्सक्राइबर्स को दिखा देते हैं। ठीक है बढ़िया है। मतलब मैंने ये जिम क्यों ज्वाइन किया ये बताता हूँ। इन टाइम फिटनेस 24 आवर्स है तो टाइम की टेंशन नहीं है, कभी बाहर घूमने भी जाए तो वहाँ पे भी कर सकते हैं उसके। जी जी सो ये वर्ल्ड वाइड मेंबरशिप सब जगह चलती है, वर्ल्ड वाइड एक्सेस प्रोवाइड कराता है आपको। सो वंस यू विल जॉइन एनी टाइम फिटनेस यू विल गेट अ एक्सेस कार्ड, बाय दैट यू कैन एक्सेस एनी क्लब अराउंड द वर्ल्ड, कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हो, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है जी। तो हमारे मनीष जी कहाँ गए जो हमारे ट्रेनर हैं? आपके पर्सनल ट्रेनर मनीष शायद आपको शर्मा गए वो लग रहा है। हाँ मेरे को यही लगता है। आइए तो इनसे मिलो, ये मनीष जी हमारे पर्सनल ट्रेनर। ठीक है ना ठीक हो? अब ये बताओ ये कितना टाइम अंदर होगा? सर को थोड़ा सा टाइम लगने वाला है क्योंकि हम सर की मोबिलिटी पे थोड़ा काम करेंगे, सर की मोबिलिटी पे काम करेंगे, कंडीशनिंग करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा फैट लॉस और मसल गेन। 6 महीने में चली से रहेगा एक अच्छा चीज होना चाहिए। चलो देखते हैं फिर कितना कराएंगे कैसे कराएंगे बताएंगे आपको, साथ साथ देखोगे आप बताएंगे नहीं देखोगे। तो मेरा सेशन मनीष जी ने स्टार्ट करवा दिया अभी। ठीक है ना
सर हमारे पास आए हैं और सर को हम मैं कल सर के असेसमेंट लेने वाला हूँ, फिटनेस असेसमेंट और हेल्थ स्क्रीनिंग लेने वाला हूँ, जिसमें हम पता करेंगे सर की जॉइंट मोबिलिटीज कैसे हैं, बॉडी स्ट्रक्चर कैसे हैं, एनाटॉमी कैसे हैं। उसके बाद एक वर्कआउट प्लान डिज़ाइन होगा सर के हिसाब से, और हम प्लान कर रहे हैं कि सर का पहले बोन स्ट्रक्चर थोड़ा सा ठीक किया जाए, एनाटॉमी ठीक की जाए, और जो काफ़ी कुछ बिगड़ा हुआ है जो फैट लॉस और मसल गेन जो वो बाय प्रोडक्ट है उसको साइड बाई साइड चलता रहेगा, और सर को थोड़ा सा डाइट का भी अवेयर किया है आज मैंने। आई होप हम एक अच्छा प्लान अब रूटीन शुरू करने वाले हैं जो ऑलरेडी सर ने शुरू कर दिया दो दिन से, एंड होप फॉर द बेस्ट एंड आई नो ये ही विल ट्रांसफॉर्म सब। आप नहीं करना है वो तो वी आर हेयर टू गाइड, वी आर हेयर टू लाइक बींग अ ट्रेनर, बींग अ पर्सनल ट्रेनर एंड बींग अ फिटनेस प्रोफेशनल, मैं आई एम देयर विद यू, बट यस कुछ आपने गाइड मेरा है, बाकी आप लोग को डंडा देते रहना मुझे। प्लीज 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 मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है आप लोग को कि सर को हर वीडियो में के बाद एक कमेंट जरूर करना है कि इज ही डूइंग गुड और नॉट, और कुछ पतले हुए या नहीं हुए, मेरे लिए भी फीडबैक होगा। बिल्कुल होगा, मेरे को ये जानना होगा कि क्या मैं मतलब सही काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जितने फोन आपने नहीं किए आने के लिए उतने कमेंट्स में फोन हो जाते थे। बिल्कुल, तुमने जिम खोला था 2 महीने पहले, मैं जाना शुरू नहीं किया अभी तक। मैं पिछले 2 महीने से सर को रोज फोन कर रहा हूँ कि सर कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, और मैं अभी भी लाइक इसलिए खड़ा हूँ टूर पे सुबह 5:30 बजे से आया हूँ, क्योंकि मुझे मैं चाहता हूँ कि सनी सर एक अच्छे फिजिक में आ जाए, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि सर की वीडियो भी थोड़ी सी और फिट दिखे। बिल्कुल, तो प्लीज करना पड़ेगा, आप लोग भी प्लीज़ इसके अंदर करिएगा, और होप फॉर द बेस्ट एंड वी विल ट्रांसफॉर्म सर। ठीक है, तो जिम आया हूँ आज से, प्रॉपर जिम चालू है, गारंटी की है 4 महीने में आपकी बात भी कर रहा हूँ, आप भी चल लेना कल से, वो कोई टेंशन नहीं है, और प्रॉपर डाइट उसने दे दी है अब। ठीक है कर लो वो अच्छा, देख क्या तो डाइट मैं आपको दे रहा हूँ कल से, मेरे को प्रॉपर खाना वही चाहिए। ठीक है, रोटी वोटी मेरी सब बंद हो गई है, मतलब प्रॉपर डाइट है भाई साहब। आप लोग ये डंडा देते रहना बीच बीच में कमेंट मार के, भाई पतले हुए, और जिम रेगुलर जाऊंगा या कुछ, तो 4 दिन तो हो गए जाते हुए, कुछ बोलना चाहोगे? देखो कब तक जाते हो आप। अच्छा जी, फिर तो कल तो आपको सरप्राइज मिलने वाला, मिलने वाला बहुत तगड़ा वाला, परसों के ब्लॉग में मतलब कल के ब्लॉग में आपको दिखेगा कि इसको सरप्राइज मिलने वाला बहुत खतरनाक। क्या कर रहे हो आप ये? उसको तंग कर रही है, वो काटेगा फिर आप रोओगे। परेशान मत करो उसको, काटेगा। अच्छा तो है, पर आप यार पॉश को पार्लर जाना है, पॉश को पार्लर भी पॉश नहीं, पॉश संडे को पार्लर जाएगा, बहुत गंदा हो गया है। पॉशु पार्लर जाओ, पॉशु नाई नाई करके आओ। अच्छा आपके ब्रेड को लग गई है, वनीषा का इयररिंग नीचे गिरा हुआ है, नहीं नहीं स्क्रू वाला था ना, इतना स्क्रू उसके डीप गया, मैंने पुल करके निकाला है, थोड़ा सा ब्लड निकला है। आपको बहुत सारी आती है, सबको अच्छे से जोर से सुना दे। Hello, I am body. I can fly. I can fly high. I can't swim. Hello, and my name is Bunny. I can fly. I can jump. I can't fly. I can't jump. Or I love carrot. Do you love carrot? And my name is Marty. I'm show you pictures. I show you pictures. Or Yani. अच्छा चलो, किमा बहुत अच्छी हो गई, बता आपको सबको है ना, अच्छी हो गया ना, अच्छे बच्चे बन के ना करो। ठीक है, 11 की स्पेलिंग सुना था आपको, हाँ 11 की स्पेलिंग, 11 से शायद हमने सुना दी। चलो अभी जो भी है ब्लॉग को यही एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नए इंसान, अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। आपको कुछ बोलना है? आगे भी बोलते हो, आपको कुछ बोलना है?
बाय। आप कुछ बोलना? आप बोलो उधर, पहुंचो, आप बोलो, बहु बोलो, बहु। अभी तो बस शुरुआत की है, जीतने को पूरी दुनिया पड़ी है। मैं खुश हूँ जो आपकी दुआ लगी है, फिर भी पता नहीं क्यों आंखों में नमी है। छोड़